मकर संक्रांति का पर्व गुरुवार को मनाया गया। पर्व पर दान पुण्य की विशेष महत्ता रहती है। दान पुण्य के पर्व मकर संक्रांति पर लोगों ने पूरा दिन जमकर दान पुण्य किया। महिलाओं ने तेरुंदे की रस्म के तहत बालिकाओं को 13 वस्तुएं और तिल से बने व्यंजन बांटे। वहीं गरीब और असहाय लोगों को भी कपड़े बर्तन आदि दान किए गए। साथ ही गौशालाओं में भी गायों को हरा चारा और गुड़ खिलाने को लेकर भारी भीड़ लगी रही। इसी बीच बच्चों और युवाओं ने घरों की छतों पर चढ़कर जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। जिले में गुरुवार को मकर संक्रांति का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि गुरुवार को धनु राशि से मकर राशि में सूर्योदय सुबह 8:14 पर प्रवेश कर चुके हैं। श्रवण नक्षत्र उदित हो चुका है, जिसका प्रभाव पूरे दिन बना रहा। इसी के साथ मल मास की समाप्ति भी हो गई। इस दौरान महिलाओं ने तिल के लड्डू, खजूर, फल, कंबल, स्वेटर, कांच, बर्तन, कपड़ा इत्यादि का 13 महिलाओं को दान दिया। इस दौरान शहर भर में गायों को हरा चारा व गुड़ का दान किया गया। वहीं बाजारों में भी जमकर खरीदारी हुई। मकर संक्रांति को किसानों का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किसान अपनी अच्छी फसल के लिए सूर्य देव का धन्यवाद करते हैं। इस दिन पवित्र नदियों तालाबों में स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। शास्त्रों के अनुसार यदि इस दिन कोई पवित्र नदियों में स्नान करता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव उत्तरायण में जाते हैं। उत्तरायण को देवताओं का दिन कहा जाता है और इसलिए इस दिन पूजा पाठ और दान पुण्य का बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किए गए दान का फल 100 गुना मिलता है। यही वजह है कि देश भर की तरह गुरुवार को सरहदी बाड़मेर में भी जगह जगह दान पुण्य के लिए लोगों की कतारें नजर आई। मकर संक्रांति के दिन का महत्व पौराणिक काल से भी है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्याग करने के लिए भी मकर संक्रांति के दिन को चुना था। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष आदुरा मेघवाल की अगुवाई में गरीब असहायों को तिल के व्यंजनों एवं कपड़ों का दान किया। मकर संक्रांति की अल सुबह से ही बाड़मेर जिला मुख्यालय पर मकर संक्रांति के मौके पर शहरवासी जमकर पतंगबाजी करते नजर आए। शहर के आसमान में लोगों के उत्साह के रंग अलग अलग पतंगों के रूप में नजर आए। शहर में नए नए पतंग के साथ युवा और बच्चे मकर संक्रांति के पावन पर्व को लेकर जबरदस्त उत्साह में नजर आए। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर बाड़मेर शहर के बाजार में पतंगे भी खूब बिकी। मकर संक्रांति पर पूरे दिन आसमान में पतंग उड़ती नजर आई, जिसमें शहरवासियों ने पतंगबाजी के प्रति लगाव का पता चलता नजर आया। हालांकि दिन भर मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाने का अलग ही उत्साह रहता है। बच्चे ही नहीं बड़े भी परिवारों के साथ पतंग उड़ाते नजर आए, इसलिए मकर संक्रांति से एक दिन पूर्व शहर में हजारों पतंगों की बिक्री होती नजर आई थी।